नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार। आप लोगों का तैयारी कैसी चल रहा है? आशा करता हूँ कि आप लोग अपने तैयारी अच्छी तरह से कर रहे हैं। जिन विद्यार्थियों को एग्जाम में एक भी मैच नहीं बना पाता था, यकीन कीजिए कि आज से आप लोग ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी जो है 15 नंबर बना के आइएगा। जो एक भी नंबर नहीं बनाता था वो क्या करेगा, 15 नंबर बनाएगा। तो मेरे कोर्स पर ध्यान दीजिए, जो मैं चालू करता हूँ, जो मैं वीडियो डालता हूँ वो देखिए। अब आप लोगों को 25 में से 15 नंबर बिल्कुल बन जाएगा, तो बन जाएगा। बाकी अगला विषय को ध्यान दीजिए तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो चलिए देखिए अगला हम क्या बताने वाले हैं, अनुपात तपरस एज। इस पर आधारित प्रश्न जो है 1 से 2 नंबर कन्फर्म रहता है। ये 100% हम दावा के साथ करते हैं कि इस टाइप का प्रश्न एगो ने एगो जरूर पूछता है, हर एक सेट में रहता है। तो आज से आप लोगों का ये प्रश्न बनाइएगा, एकदम बिल्कुल भी आपका 1 नंबर आ जाएगा। तो चलिए देखिए, प्रश्न को देख रहे होंगे, एक मत हम पढ़ देते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:5 है। 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। कहता है प्रत्येक में कितना जोड़ेंगे? 10। प्रत्येक में कितना वृद्धि करेंगे? 10। तो कहता है नया अनुपात कितना हो जाता है? 5:7। नया अनुपात कितना होता है? 5:7। तो कहता है छोटी संख्या ज्ञात करना है, छोटी संख्या ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। तो देखिए इसको कुछ नहीं, ऐसे बना दीजिए इसको। पहले इसका कंसेप्ट समझ लीजिए कि इसको कैसे करेंगे। देखिए एनए से घटा के देखेंगे तो अंतर कितना आ रहा है? 2। एनए से भी घटा के देखेंगे तो कितना? 2। ये बराबर आना चाहिए, पहला कंडीशन। पहला कंडीशन क्या हो गया कि ऐसे ऐसे घटावेंगे और ऐसे ऐसे घटावेंगे तो ये दोनों का मान बराबर आना चाहिए, समान आना चाहिए। क्या आना चाहिए? समान। अगर नहीं आएगा तो हम अगला प्रश्न में पता चलेंगे कि कैसे नहीं आएगा। सीधे हमको सीधा सीधी घटा देना है। क्या करना है? सीधा सीधी घटा देना है। अगर मान समान आवे तब, नहीं आएगा उस पर भी हम प्रश्न लिए हैं, उसका भी आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए देखिए इसको घटा देंगे, तो इसको घटा देंगे तो 2 2 तो ये वो लिखेंगे 2 बराबर। अब कितना वृद्धि कर दिया? 10। तो 10 लिखेंगे, 2 का मान 10 है तो 1 का मान इसको काट देंगे तो कितना गया? 5। 1 का मान 5। अब पूछता है छोटी संख्या, तो देखिए 3 छोटा है कि 5 छोटा है? तो आप लोग समझेंगे कि 3 छोटा है, तो छोटी संख्या में 3 से गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा आंसर कितना? 15। आपका आंसर हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि प्रत्येक में क्या आएगा जोड़ने के लिए, तभी यह काम करेंगे। यहाँ पर प्रत्येक वर्ग को पकड़िए, प्रत्येक वर्ग को पकड़िए, प्रत्येक में जोड़ना है तभी यह काम होगा, या फिर कहेगा प्रत्येक में घटाना है तभी यह काम होगा, या तो जोड़ेगा या तो घटाएगा, इसी तरह से बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिएगा तो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा तब बिल्कुल भी। देखिए प्रश्न को देख रहे होंगे, देखिए अगला प्रश्न कहता है चरण और रजत का वेतन 5:4 के अनुपात में कितना? 5:4 के अनुपात में रजत का जो वेतन है 5:4 के अनुपात में है। कहता है प्रत्येक का वेतन, प्रत्येक लगा हुआ है, प्रत्येक का वेतन कितना वृद्धि करेंगे? 3000। प्रत्येक का वेतन 3000 वृद्धि कर देंगे तो कहता है नया अनुपात कितना हो जाता है? 6:5। नया अनुपात 6:5। तो कहता है चरण का वेतन ज्ञात करना है, तो चरण ये पहले चरण था, उसके बाद क्या हो गया? रजत। इस तरह से, तो इसमें भी वही काम करना है, घटा का देखना है, घटाएंगे तो कितना? 1। इसमें भी घटाएंगे तो 1। अगर ये घटा का समान आ जाता है, समान आ जाता है 1, तो 1 बराबर मानेंगे कितना? 3000। 1 बराबर 3000। तो पूछता है चरण का, तो चरण के कितना? 5 से गुणा कर दिया, चरण का मान कितना है? 5। तो 5 बार पूछता है तो 3 गुना 5 कर देंगे मेरे दोस्तों, तो जाएगा 15000। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर A। देखिए अब मेरे दोस्तों पूछेगा कि दोनों का अंतर, दोनों के आय का अंतर तो कितना? 1 है।
एक से गुना कर देंगे तो आप मान कितना जाएगा, 3000। इस तरह से अगर आप दो तीन प्रश्न देखिए अब आपका क्लियर हो जाएगा। कहता है नेक्स्ट प्रश्न, दो संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है, 5:9 है। कितना है, 5:9 है। प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाता है, यहाँ पे जोड़ेगा या घटाएगा दोनों के लिए, 6 जोड़ेगा या घटाएगा उसी तरह से बनेगा। जोड़ने पर उनके बीच का अनुपात कितना होता है, 2:3 आ जाता है। कितना, 2:3 आ जाता है। तब देखिए कैसे करेंगे इसको, तो कहता है मूल संख्या ज्ञात करना है, मूल संख्या ज्ञात करना है। देखिए इसको घटाइए, घटाएंगे तो कितना अंतर, इसका अंतर 3, इसका अंतर 6, दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। सीधा सीधी घटाएंगे तो दोनों बराबर नहीं है, तब क्या करेंगे, आपका जो कंफ्यूजन था यहाँ पर दूर हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे बराबर करेंगे, अब इसको हमको ऐसे घटाना है इस तरह से, एने घटाएंगे तो कितना 4 का अंतर है, एने घटाएंगे तो कितना 1 का अंतर है। अब इसको क्या करेंगे, इसको इसमें से गुना कर देंगे, इसको इसमें से गुना कर देंगे बस। तो 1 × 5 करेंगे तो 5, 1 × 9 करेंगे तो 9, 2 × 4 × 2 करेंगे तो 8, 3 × 4 करेंगे तो 12। अब देखते हैं घटा क्या जाता है, तो यहाँ पर 5 में से 8 गया 3, 9 में से कुछ भी घटाएंगे तो कितना जाएगा, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, 5 में से 3 जोड़ेंगे तो 8, 9 में से 3 जोड़ेंगे तो 12 हो गया। अब देखिए मेरे दोस्तों को ये वो 3 दे देंगे, अब यहाँ पर कितना जोड़ा या घटाया है, आपका 6 जोड़ा है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 2, 1 का मान 2। अब कहता है प्रत्येक का पूछता है, प्रत्येक का मूल संख्या, तो मूल संख्या इसको छोड़ देंगे, जो अब नया संख्या बन गया इसको क्या करेंगे भूल जाएंगे, अब यहां से काम करेंगे नया वाला, तो नया वाला हो जाएगा 5×10 और 9×18, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो है प्रश्न हीटेड प्रश्न बोलते हैं एग्जाम में, कि हूबहू आ जाता है, एकदम हीट कर जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे इसको बराबर करते हैं, एक मतलब फिर देखिए, ऐसे ऐसे बराबर नहीं था, ऐसे ऐसे बराबर यहाँ 3 था, यहाँ पर 6 था, तो ऐसे ऐसे देखेंगे, ऐसे ऐसे अंतर कितना है 4, ऐसे ऐसे अंतर कितना है 1, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, या नहीं तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 और 1 का एलसीएम, तो हमको एलसीएम आ गया 4, तो इसको 4 बनाना है तो 1 से गुना कर देंगे तो 4 बन जाएगा, इसको 4 बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे तो इसमें गुना करेंगे। इस तरह से आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक आध दो प्रश्न और देख लीजिए, उसके बाद इसमें भी एक आध दो प्रश्न है जो आयु का है, किसका, एज का। अगर देखिए दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक वर्ग को पकड़ना है, यदि प्रत्येक में कितना जोड़ दे, 3 जोड़ दे या घटा दे, तो उनका अनुपात कितना हो जाता है, 10:3 आ जाता है। देखिए मेरे दोस्तों अब इसका देखना है कि अंतर वही आता है, इसको घटाएंगे तो कितना 7, इसको घटाएंगे तो कितना 7×4=11 नहीं, इसको आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसको भी क्या करेंगे बराबर करेंगे, तो ऐसे अंतर देखेंगे तो कितना 1 का अंतर, ऐसे देखेंगे तो अंतर कितना 3 का अंतर, इसको 3 से गुना कर देंगे, 3×3=9, 3×4=12, इसको 1 से गुना कर देंगे 10, 13×1=13 कितना 13। अब देखेंगे घटा के इसमें क्या का अंतर, 1 का, इसमें भी 1 का अंतर, दोनों बराबर है तो 1 बराबर लिख देंगे कितना 23, 1 बराबर 3। तो कहता है मूल संख्या ज्ञात करना है, तो मूल संख्या ये नहीं, इसको भूल जाएंगे, अब ये हो जाएगा तो 9×3=27 और 12×3=36, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अगर बराबर नहीं है तो बराबर कैसे करेंगे। एक आध दो प्रश्न और देख लीजिए, अब देखिए यहाँ पर एज का, किसका, एज का प्रश्न हूबहू पूछता है मेरे दोस्तों। देखिए एज का दो प्रश्न देख लीजिए, कहता है एक्स और वाई के वर्तमान आयु का अनुपात 5:5 कितना है, 4 है। एक्स और वाई के आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है। अब ये ध्यान देना है,
कि ये वर्तमान दिया हुआ है, वर्तमान ही पूछता है या फिर कुछ भी पूछेगा। तो वर्तमान कितना दिया हुआ है, एक्स का 5 और वाई का 4। अब कहता है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद तो क्या कह रहा है, 3 जोड़ रहा है या घटा रहा है, बस ये समझिए। 3 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात कितना हो जाता है, 11:9, 11:9। अब देखिए मेरे दोस्तों, आप जब ये प्रश्न को देख रहे हैं तो आपके मन में एक प्रश्न और सवाल उठता होगा, वो भी मेरे पास सोल्यूशन है। तो चलिए देखिए, इसको घटा के देखेंगे तो कितना, 11:5 यहाँ पर ही 5 बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसको अंतर देखेंगे, यहाँ 1 यहाँ क्या है 2, तो इसको 2 से गुणा करेंगे, 5 × 2 = 10, 4 × 2 = 8, इसको 1 से 11 × 9। अब घटा के देखेंगे तो कितना अंतर है, 1 बराबर दिया हुआ है 3, 1 = 3। तो पूछता है मेरे दोस्तों कि बाई का वेतन, अच्छी बाई का वर्तमान आय क्या है, तो बाई का इसको क्या जाएंगे, भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे। अब बाई का कितना हो गया 8, तो 8 को 3 से गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा बाई का 24। बाई का आपका आंसर कितना जाएगा 24। बस एक प्रश्न और देख लीजिए, आयु बड़ा बिल्कुल भी आपका इस टाइप से पूछेगा तो एग्जाम में नहीं छूटेगा। अब देखिए ये प्रश्न को बढ़िया ध्यान दीजिएगा, कहता है 6 साल पहले, 6 साल पहले मतलब माइनस, 6 साल पहले मतलब माइनस, साइना और सागर, साइना और सागर के आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, आयु का अनुपात 6:5 दिया हुआ है। इसलिए अगले 4 साल बाद, फिर कहता है प्रश्न 4 साल बाद, अगले चार साल बाद उसकी आयु का अनुपात कितना, 11:10 हो जाता है, 11:10 हो जाता है। तो कहता है सागर की वर्तमान आयु ज्ञात करें, सागर की वर्तमान आयु ज्ञात करें, इसका ये साइना है ये सागर है, इसको लिख दो साइना, साइना ये हो गया सागर। अब देखिए मेरे दोस्तों, यहां पर ये समझिएगा कि 6 साल पहले है, 6 साल पहले की बात कर रहा है और फिर 4 साल बाद की बात कर रहा है, तो पर इसी का काम कर दिए, इसको जोड़ देना है, अगर प्लस माइनस रहेगा इसमें तो क्या करना है, जोड़ देना है, 6 साल पहले का 4 साल बाद का, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, घटाना नहीं है यहाँ पर, समझिए यहाँ पर घटाना नहीं है, क्योंकि अगर आप बेसिक से बनाइएगा तो 10 ही काम होगा, अगर एक्स मान के बनाइएगा तो 10 ही काम होगा, इसलिए प्लस माइनस को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर घटाते हैं, अंतर उतने आता है समान, 11 में से 6 गया 5, 10 में से 5 गया 5, आगे दोनों समान, 1 और 5 बराबर ले लेंगे कितना 10, 1 और 5 बराबर 10, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 2, 1 का मान 2। अब देखिए मैं दोस्तों किसका पूछता है, सागर का, किसका, सागर का पूछता है, तो क्या करेंगे, 1 सागर का कितना है 5 नहीं है तो 5 × 2 कितना कर देंगे 10। अब जो है 10 ऑप्शन में भी दिया रहेगा तो इसको समझना है कि 10 आंसर नहीं होगा, ये जो है 6 साल पहले की बात कर रहा है, 6 साल पहले की बात कर रहा है, बात का मतलब अभी चल रहा है 2022, तो 2022 चल रहा है तो इसको 6-5 का मतलब 2022 चल रहा है, 2000 के बात कर रहा है, अभी चल रहा है 2022 और 2020 के बात कर रहा है नहीं, तो यहां से हमको अभी वर्तमान जाना है तो क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे, यहाँ के बात कर रहा है तो वर्तमान जाने के क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे, तो इसमें भी 6 साल क्या पहले कह रहा था कि पहले हम थे लेकिन आज हमारा आयु क्या होगा, बढ़ेगा करेगा, तो बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे 6 जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे, बस सागर की आयु ज्ञात हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 16, आंसर 16 ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, ये जो प्रश्न है बोर्ड मॉडल प्रश्न बोलते हैं इसको, एग्जाम में हूबहू आता है, इसी बेस पर आता है,
एक ना एक नंबर प्रश्न रहता है हर एक सेट में। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, ताकि उनका भी जो जीरो नंबर बनाते थे वो 15 नंबर बना के आएंगे मेरे चैनल के अनुसार। थैंक यू, धन्यवाद।